रुद्रपुर में अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध नगर निगम का बुलडोजर चल गया। आपको बता दें कि ये वही जगह है जहां मोदी से लेकर बड़े बड़े नेताओं की रैलियां होती हैं। आज नगर निगम ने सख्त रुख अपनाते हुए अवैध रूप से बनाई गई दुकानों को ध्वस्त किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रशासन का पीला पंजा किस तरह अवैध अतिक्रमण पर कहर बरपा रहा है। तहसील संजय नगर जहां पर सब्जी मार्केट है, वहां से अब अतिक्रमण ध्वस्त करने की कार्रवाई। यहां अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ था, जिसको लेकर अब प्रशासन जागा है और ये बड़ी कार्रवाई की गई है। अतिक्रमणकारियों का कहना है कि हमें बिना सूचना दिए अचानक से ये कार्रवाई की गई है, हमें किसी भी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि हम इन्हें बार बार मना करते हैं, लेकिन ये लगातार अतिक्रमण करते जा रहे हैं। यहाँ तक कि लोगों का रोड पर चलना भी दूभर हो गया है। यहाँ आए दिन एक्सीडेंट का खतरा मंडरा रहा था, जिसको देखते हुए हमने ये अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया है। ऐसा देखिए, यहाँ से शिकायत बार बार मिल रही थी और अभी ये लोग जो दुकानदार हैं, काफ़ी दुकानें आगे बढ़ा दे रहे हैं। कुछ लोग अवैध ठेला या इस तरह से झोपड़ी बना दे रहे हैं। व्यवसाय करना एक तरफ तो ठीक है, लेकिन वो झोपड़ी बना के एक धीरे धीरे फिर इसी को कब्जा करते हैं। हम लोग हमेशा जब भी हम आए थे इनको समझाते रहे, बताते रहे कि आप ऐसा ना करो, लेकिन ये नहीं माने थे। इसलिए आज हमने अभियान चलाया। जाम की स्थिति बहुत ज़्यादा रहती है, लंबा रास्ता, इधर स्कूल भी है, लोगों का आवागमन ज़्यादा है। इसको देखते हुए आज हमने अभियान चलाया है और हमने जो लोग अवैध बना के झोपड़ियाँ गायब है, कोई कार खड़ी करके कब्जा कर रखा है, कोई लकड़ी रखे कब्जा कर रखा है, वो सब हमने ध्वस्त करा और हटाया। आपको शायद नॉलेज में नहीं है, हम कम से कम 5 से 6 बार यहाँ ये काम कर चुके हैं और बार बार आके हम पहले बताते हैं कि आप ऐसे मत करो, उसके बाद ही हम कार्रवाई करते हैं। तो जहाँ 5-6 बार हम काम कर चुके हैं, देखिए पब्लिक है, हमारी है, हमारे साथ है, हमारे नगर की पब्लिक है। व्यवसाय सबको करना, रोजी रोटी सबको चलाना है। हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो कि अगर ये ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उसी चीज़ को हम समझाने की कोशिश करते हैं कि आपका काम भी हो जाए और कोई जाम भी ना लगे, देखिए पब्लिक को परेशानी भी ना हो, इसी को देखते हुए कार्रवाई करिए। मैडम देखो, ये जगह भी दी जाती है, व्यवसाय करने का स्थान भी था, हमने चिन्हित भी करा, उस पर भी कार्रवाई हो रही है। ऐसा तो नहीं कि 5 लोग एक बार आ गए तो 5 ही रहेंगे, वो बढ़ेंगे नहीं या घटेंगे नहीं। 5 के 500 हो जाते हैं तब दिक्कत खड़ी होती है, लेकिन है तो सब नगर के ही, व्यवसाय उनको करना है तो मैनेज सबको करना है और सभी के सहयोग से, सबके सहमति से ये काम हो रहा है। नगर निगम द्वारा भी जहां इंटर कॉलेज के सामने भी अतिक्रमण चला गया था, लेकिन कुछ दिन बाद दोबारा वही ज्यादा अतिक्रमण लग गया। मैं आपको बताऊँ, हम जब से ये काम हम लोगों को कर रहे हैं, अभी कल भी आपने सुना होगा हमने गांधी पार्क में कार्रवाई करी है, उसी तरह किसी दिन जहां काल को हमने वहां भी सूचना भेज दी है, लोगों को बता दिया भाई ऐसा तो हटा लो, 1 दिन 2 दिन हम समय भी देते हैं, ऐसा नहीं जाके तुरंत तोड़ दे। फिर उनको हम एक दूसरी बार तीसरी बार भी उनको बताएंगे कि आप हटा लो, नुकसान होगा, नहीं मानेंगे तो फिर इस तरह से हम अपनी कार्रवाई करेंगे। नगर निगम छोटे जो गरीब व्यापारी उन पर तो कार्रवाई करता है, नहीं आपको लगता है मेन शहर के अंदर जो अतिक्रमण पूरा कर रखा दुकानों का, आगे नगर निगम ने टाइल्स लगाई थी उस पर व्यापारियों ने सारा सामान, आपको शायद आपको संज्ञान होगा कि पूरे नगर में इतनी बड़ी बड़ी दुकानें तोड़ दी गई 2018 और 2019 में, आपको नॉलेज में है ये चीज। उसके बाद नाली पे जो टाइल लगाई गई है अतिक्रमण हो गया, लेकिन नगर निगम द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं। अभियान की कार्रवाई है, हम हटाते एक बार, पब्लिक लगाती, फिर समझाते हैं, फिर जरूरत पड़ती है फिर हटाते हैं, ये कार्रवाई चलती रहती है कंटिन्यू। ऐसा नहीं है कि आप आज कल आप देखे होते आए होते तो शायद आपको समझ में आता कि हाँ हमने कार्रवाई करी है, ऐसा नहीं है कि वो जबरदस्ती कर, हम जाते हैं तो वो भी हटता, कोई लगा दिया एक को देख के 4 लोग लगा देते हैं, तो फिर हम वो भी कार्रवाई करते रहे, तो ये उस कार्रवाई का ही पार्ट है जो आज हमें काम कर रहे हैं। आवाज इंडिया के लिए रुद्रपुर से तापस विश्वास की रिपोर्ट।